देख रहे हैं खालसा न्यूज़ और मैं हूं इसरार काजमी। बीजेपी, जिसको हमेशा यह कहा जाता था कि कुछ लोगों को सिर्फ अपलिफ्ट कर रही है, लेकिन अब जो नई लिस्टें आ रही हैं इस साल की, उसमें कई ऐसे चेहरे नए नए आ रहे हैं जिनको बड़े बड़े अहदों पर फाइज किया। उन्हीं में से एक चेहरा हमारे साथ साहिल मीर जी हैं, जिनको यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। इनको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देते हैं। कि सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, आप यूथ के प्रेसिडेंट बने, किस तरह की आपकी क्या रणनीति है, किस लेवल से आपने जो है यूथ के लिए काम करना है? सबसे बड़ी बात है, किसी भी पार्टी में जब जाया जाता है काम करने के लिए, काम तो हम पहले भी सोशली बड़ा करते थे, अब हुआ कि प्लेटफॉर्म पे आते नहीं थे, अब उसमें पब्लिसिटी नहीं होती थी, लोगों को ये नहीं पता चल रहा था, डोर टू डोर लोगों को ये चीज़ अवेयर नहीं थी। ऐसे तो इन जनरल जो हमारी जो एक फैमिली की जो बैकग्राउंड है, वो सबको पता है कि हमने जो अपना एक जो एक अपने माशरे में जो अपनी इज़्ज़त कमाई है, वो इस वजह से नहीं कमाई है कि हम ममडन हैं, हमारे हिंदुओं में अच्छे रिलेशन हैं, उसके बाद सिख कम्युनिटी में अच्छे रिलेशन हैं, तो जो मेरे फादर साहब का जो भी जितना भी नाम है, तो वो किसी एक कम्युनिटी की वजह से नहीं है, हमने सबके साथ अच्छे तरीके से और अच्छे रिलेशन रखे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी एक पहचान निकली हुई है। पार्टी को भी इस वक्त यही इन चेहरों की ज़रूरत थी, जो कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ के एक पार्टी के हित में क्या कर सकता है, जो दिल से लोग क्या कर सकते हैं। ऐसे तो अपने लिए सारे जीते हैं, अच्छे काम करते हैं, अपने लिए तो सब कमाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं जो लोगों को, हर एक अपने को भूल के लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचा सकें। पार्टी जो हमारी है, जो हमारे कोई ऐसी नहीं है कि कोई पार्टी ने किसी को किसी उपलब्धि से कोई महरूम रखा हुआ है। अब अक्सर ये होता है कि उधर तक पहुंचने में या उन लोगों को कन्वे करने में थोड़ा सा हमारे जैसे लोग हैं जो इनको कन्वे करेंगे, और हमारी ये जो युवा टीम बनेगी, युवा टीम में हमने ये देखना है कि हमने उस पार्टी की जो अचीवमेंट है, वो हमने उसको अवेयर करके लोगों को, ऐसे तो जब भी कोई पार्टी हमारा दे रही है तो वो पहुंच रहा है, सबको लाभ पहुंच रहा है, ये खाली कोई बीजेपी को लाभ नहीं पहुंच रहा, सारी जितनी भी पार्टियां हैं उनको लाभ पहुंच रहा है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं उपलब्धियाँ जो हमने हमारी नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें दी हुई है, वो लोगों तक पहुँचें, लोग ग्रास रूट से इस चीज़ को अवेयर हो जाएँ कि हमारी पार्टी ने क्या कर रही है, और वो हर एक आदमी के लिए कर रही है, हर घर के लिए कर रही है। यूथ के लिए आप स्पेशली क्या करेंगे? यूथ में देखा जाए जी, ये सारी डिपेंड करता है कि यूथ की मेंटेलिटी लेवल क्या है, वो किस माशरे में जी रहे हैं, उनकी सोसाइटी में कौन लोग चल रहे हैं, किस कल्चर में वो जा रहे हैं। हमने जो लोग गलत रास्ते पे जा रहे होंगे, उनको हमने अवेयर करना है कि सही रास्ते में चल के हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। देखो, पेरेंट में कोई पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे ख़राब हों, हमने उनको सिर्फ अवेयर करना है, क्योंकि जैसे जो नौकरियां जितनी मिलेंगी उतनी होंगी, जो नौकरी बेरोज़गार होगा उसको हमने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में उनको एडजस्ट करना, और जिससे वो अपने घर में अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। यूथ आज जो है ये देखने को मिल रहा है कि यूथ जो है ड्रग्स की तरफ ज़्यादा जा रही है, उसमें आप भाजपा के आज सेंटर में भाजपा सरकार है, आप यूथ के प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट पुंछ से, आपकी क्या रणनीति है कि किस तरह से इस ड्रग्स को रोका जाए डिस्ट्रिक्ट पुंछ में? सर, उसमें मैंने यही पहले बोला ना, जब तक हम अपनी यूथ को एंगेज नहीं करेंगे, किसी कामों में नहीं लगाएंगे, जब वो फ्री रहेंगे तो उनके दिमाग में तो कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा। हम यही अवेयर करेंगे, हमने कोई अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करवाना उनसे, हमने यूथ को किसी काम रोज़गार में दिलवाना, जिससे उनके घर का खर्चा भी चल सके, जिनको अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी निभा सकें। इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी काफ़ी हद तक काम किया, लेकिन जब भी कोई नया प्रेसिडेंट बनता है या किसी ओहदे पे नया फाइज होता है, तो उसकी एक अलग रणनीति रहती है कि वो हमेशा यही सोचता है कि मैं अलग लेवल से काम करूंगा, वो आपकी क्या रणनीति है, क्या आपने सोचा है, किस विजन को आप लेके चल रहे हैं? मैंने कोई नई रणनीति नहीं बनानी है, जहाँ से मेरे भाई जो पहले जो अमन डाबर जी थे, जहाँ से उन्होंने छोड़ा था, मैंने वहाँ से ही कंटिन्यू करना, जो उन्होंने अच्छे काम किए तो उसको हमने बढ़ाना है, या ये उधर कंपटीशन नहीं करना उनके साथ के उन्होंने काम किया तो मैं ज़्यादा करके, तो मैंने अपना नाम आगे निकलना है। हमने ये पूरा टीम वर्क करना है, उसमें हमारे जो सीनियर लीडर हैं, जो हमारे इधर अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, मेरे भाई बड़े राजेश जी हो गए, गुप्ता जी हो गए, चस्ती साहब हो गए, ये सब लोगों को साथ लेके हमने जो अंदर की राजनीति में ये नहीं है कि हम अपना नाम, हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी का नाम आगे निकले, पार्टी की जो उपलब्धियाँ वो हर एक तक पहुँचें। और क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे यूथ के लिए, जो आपके साथ यूथ जुड़ी हुई है? आज सिर्फ यूथ पे बात होगी क्योंकि आगे आप यूथ के प्रेसिडेंट हैं, सिर्फ यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
देखो जी, खाली अगर हमने जलसा करवाना हो तो यूथ इकट्ठी करनी हो वो हज़ारों के हिसाब से कर सकते हैं। बातों में और प्रैक्टिकली करने में ये डिफरेंस रहेगा हमारा कि हम कोशिश करेंगे कि जो जो हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो हम यूथ तक पहुंचाएं, यूथ में उसका बेनिफिट जाए, तो जिससे माइंडसेट उनका हमारी तरफ, मतलब जो हकीकत में जो एक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा के तो वो लास्ट पे एक्सपेक्ट करता है कि वो हमारा लास्ट पे बुढ़ापे का सहारा बने, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि वो कुछ ना कुछ करे, कोई बिजनेस करे, किसी जिस स्ट्रीम में वो जो उनके अंदर वो जो टैलेंट होगा वो हमने बाहर लाना है। लेकिन यहाँ पे वैसा ग्राउंड भी नहीं है जिस ग्राउंड पे आप बोल रहे हो कि वो काम करेंगे। हमने अगर आपने जैसे ड्रग्स का कहा कि ड्रग्स वो हम ख़त्म करेंगे, लेकिन किस लेवल से ख़त्म करेंगे ये अगर उनको जॉब मिलती है, लेकिन आज तो जॉब मिल नहीं रही है, पूंछ में ऐसी फैक्ट्रीज नहीं है जिनमें वो काम करेंगे। जाप नहीं है तो इसको हम थोड़ा सा आगे अपनी आगे ऊपर हायर अथॉरिटी को हम प्रोजेक्ट करेंगे कि वो जो भी स्कीम है सेंटर से हमारे लिए लाएं, जो हम लोगों को एंगेज करें, उसके बाद हम आगे से आहिस्ता आहिस्ता करके हमने थोड़ा सा उनका माइंडसेट चेंज करें। यहाँ पे आपने किले के पास आपने देखा होगा, क्योंकि आप ही पूंछ के रहने वाले, जितने भी वहाँ पे ये काम कर रहे हैं रेहड़ियाँ वाले, सबके पास हाई लेवल की डिग्रियाँ हैं, लेकिन आज भी वो वैसी रेहड़ियाँ चला रहे हैं। क्या होगा अगर पूंछ का, किस तरह से आगे पूंछ बढ़ेगा? देखो, पुंछ में ऐसा कोई स्पेशल पैकेज तो आएगा नहीं कि जिसमें हम ये बोलेंगे कि ये सारा कुछ एक ही दिन में सारा कुछ क्लियर हो जाए। उसमें हम ये देखेंगे, जैसे DIC में जो स्कीमें, कुछ लोन वाली स्कीमें, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीमें, वो उसमें थोड़ा सा हम कैंपिंग करवाएंगे, उसमें जो लोग आएंगे, लोगों को बुलाएंगे, यूथ को बुलाएंगे, जिसमें वो उस चीज़ में वो जो आगे उस चीज़ पे जब वो लोन वगैरह अवेल करके अपने आप को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे, और हमारा भी यही प्रयास रहेगा, हमारी तरफ से कॉपरेट करके हमने उनको आगे से बेहतर करने की कोशिश करवाएंगे। आपने लोन का जिक्र किया, लोन जिस बैंक में भी आज यूथ जाती है, क्योंकि मेरे भी कई लिंक्स हैं ऐसे नौजवानों के साथ जिनका ये कहना है कि हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक हमेशा ये कहता है कि आप गारंटर लाओ, जिसमें 5-5, 6-6 गारंटर मांगे जाते हैं, उसके बाद अगर 5 लाख का लोन सैंक्शन करवाते हैं तो 2 से 3 साल लग जाते हैं उनको, तो वो किस तरह से अपना बिजनेस स्टैंड करेंगे? अब लोन की बात है, जो लीगल फॉर्मेलिटी होगी वो तो कंप्लीट करने पड़ेगी, ये थोड़ी है कि हमारी सरकार कोई ऐसे विदा कोई वेरिफिकेशन के। देखो, कल लोन, यही पैसा भी तो एक आम आदमी का पैसा है ना, ये किसी पर्सनल किसी का पैसा तो नहीं है, तो हम तो ये तो गारंटी इसलिए होती है कि जो एक सिक्योरिटी रहे, तो जिसमें जो जिस काम के लिए लिया जाए तो उस पर वो खर्च भी हो उसका पैसा। लेकिन एक गरीब इंसान जिसके पास गारंटर नहीं है या ना उसका कोई गारंटी देने वाला है, वो कैसे गारंटर लाएगा और कैसे अपलिफ्ट करेगा खुद को? देखो जी, गरीब अमीर जो है वो अपने हाथ में नहीं होता है, अब जो बंदा मेहनत करेगा वही आगे निकलेगा ना। अब उसमें हमने कोई किसी गरीब को अमीर तो नहीं ना बना सकते हम, उसको हम ये कोशिश कर सकते हैं, हम उसको अवेयर कर सकते हैं कि तेरे लिए अच्छा क्या है, जो जिसमें हम जो सपोर्ट करके जिसको आगे हम ले जा सकते हैं। भाजपा तक का तो यही नारा है, सबका साथ सबका विकास, आखिर बड़े लोगों को तो साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन छोटे जो गरीब लोग हैं उनको कैसे साथ में लाना है? उनको साथ में लाना उनके लिए बेसिक जो चीज़ है, जितना हम कर सकते हैं वो तो हम अपनी तरफ से करेंगे, अब देखो ना, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि घर आके कोई सारा कुछ मिल जाए बिना कोई एफर्ट किए हुए, वो भी आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, एफर्ट तो करने पड़ेंगे। सिर्फ हमारा ये रहेगा, हमारा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई ऐसा कोई हमारी रिश्वत का कोई काम नहीं रहेगा कि रिश्वत लेके किसी को प्रायोरिटी दे के काम किया जाएगा, हम हर एक आम आदमी की बात सुनेंगे। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो पुंछ की यूथ है उसके लिए? क्या साहिल मीर पुंछ की यूथ के साथ खड़ा है किसी भी परेशानी में? जो मेरे बस में होगा, जिस तरीके से भी होगा, जो जेन्युइन डिमांड होगी, उसमें हम शाना बशाना अपनी यूथ के साथ जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम यूथ को आगे अच्छे कामों में अवेयर करें, ना कि कोई गलत कामों में हम उनके साथ चलें, क्योंकि हमारी पार्टी की विचारधारा, हमें वोट की राजनीति नहीं करनी है, हमने समाज को जोड़ना है अपने साथ और समाज को आगे ले जाना है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। कुछ मुद्दे थे यूथ के जिन पे बातचीत की, अब आप अपने कमेंट्स ज़रूर रखें, अपनी राय ज़रूर रखें, क्या कुछ आपके मुद्दे हैं, क्या कुछ आपका कहना है, वो अपने कमेंट बॉक्स में। प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट पुंछ से साहिल मीर जी, हमारे साथ, शुक्रिया।